हेलो गाइस, मैं कमलेश सर, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कमलेश सर कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एक टिंगल को प्रूफ करना है, एक क्वेश्चन है प्रूफ करने का। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, जहां भी समझ आए कमेंट कीजिएगा। दिया है इफ ए एम इज एन एटीट्यूड, ए एम एक एटीट्यूड है, आप टिंगल ए बी सी, एक टिंगल एबीसी है जिसका एम क्या है, एटीट्यूड है। एटीट्यूड क्या होता है, लंब है। देन सो दैट एम लेस देन 1/2 ब्रैकेट एबी प्लस बीसी प्लस सी दिया। अब देखिए यहाँ पे टिंगल, हमने कोई भी टिंगल रहेगा, कोई भी टिंगल है, इसकी थ्री साइड होते हैं, टिंगल के थ्री साइड होते हैं। तो प्रॉपर्टीज का होता है सम ऑफ टू साइड एक ग्रेटर देन थर्ड साइड। टिंगल के जो दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। अगर बड़ा होता है तभी टिंगल पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसी आधार पे इसको प्रूफ किया जाएगा। एक हमने टिंगल ले लिया ए बी सी, ए बी सी टिंगल ले लिया, इसमें से ए एम पर आप जो है एटीट्यूड डाल दिया। अब देखिए प्रूफ क्या करना है, ए एम लेस देन करना है। तो ए एम इस साइड है तो ए एम इक्वल ए एम, ए एम को हम इस साइड रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब एटीट्यूड कर दिए तो ए बी सी क्या हो, दो टिंगल में बढ़ गया। एक टिंगल क्या हो गया, ए बी एम हो गया, दूसरा टिंगल क्या हो, ए सी एम हो गया। और दोनों टिंगल क्या है, राइट टिंगल। यहाँ पे सॉल्यूशन में इन राइट टिंगल ए बी एम में, ए बी एम में, तो एम को क्या करना है, इस साइड लिखना है तो एम को लेस करना है। तो एम को लेस करेंगे, एम क्या होगा, लेस होगा किससे। अब जब एम हमने ले लिया तो दो साइड क्या बचे, ए साइड ए बचा, ए साइड ए बचा, नाम क्या है इसका, ए बी प्लस बी एम। तो यहां पे हो जाएगा ए बी प्लस बी एम। किस प्रॉपर्टी से, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, या थर्ड साइड इज लेस देन सम ऑफ टू साइड। यहां लिखेंगे द सम ऑफ टू साइड लेस देन थर्ड साइड, थर्ड साइड। इस प्रॉपर्टी से इसको हम जो है सॉल्व कर लेंगे, इसको इक्वेशन वन मान लेंगे। अब इस टिंगल में आएंगे, राइट टिंगल ए सी एन में, क्योंकि इन राइट टिंगल, इन राइट टिंगल ए सी एम में, तो ए सी एम में करेंगे तो यहां भी ए एम को लेस करेंगे, इस साइड रखेंगे, लेफ्ट में रखेंगे। तो ये क्या होगा, ए एम क्या हो गया, लेस हुए, क्योंकि एम को लेस करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है। तो एम को लेस कर देंगे, तो एम जो लेस कर दिए तो ए बी सी एम में कर दिए, तो दो साइड बचा, कौन सा साइड, एक आप साइड क्या है, सी ए है, और ये क्या है, सी एम है। तो ये आपका क्या हो गया, सी ए प्लस सी एम। इसको क्या करेंगे, इक्वेशन टू मान लेंगे, क्या होगा, सेम प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसी सेकेंड प्रॉपर्टी से इसको हम जो सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इक्वेशन वन और टू को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, वन और टू को ऐड करेंगे। तो वन क्या है, इस साइड को इस साइड लेस, पहले को लेस में ऐड करेंगे राइट, और ग्रेटर देन को ऐड करेंगे। देखिए एम है ए एम प्लस, और सेकेंड का क्या है लेस में, ए एम ए भी है, यहां भी एम है, आइए लेस देन। अब आइए राइट साइड में, इसलिए ग्रेटर में क्या है, ए बी प्लस बी एम, यहां हो जाएगा ए बी प्लस बी एम प्लस। अब सेकेंड का लीजिए इक्वेशन क्या है, ये सी ए प्लस सी एम, सी ए प्लस सी एम, ये हो गया। अब ए एम एम को ऐड करेंगे, टू ए एम हो जाएगा, और ये लेस होगा,
क्या लिखिए ए बी, तो यहां पे ए बी मिल गया। अब देखो बी एम और सी एम, तो यहां पे प्लस बी एम प्लस सी एम इधर रखिए और सी ए इधर कर लीजिए। अब यहां पे टू ए एम लेस हो जाएगा, तो ए बी प्लस बी एम प्लस सी एम देखिए कहां पे है, बी एम यहां तक है और सी एम क्या है यहां तक है, तो ए यहां तक और यहां तक इस बी एम और सी एम को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बी सी हो जाएगा। बी एम ये साइड और सी एम क्या ए साइड, और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों जगह पे लिखेंगे बी सी प्लस यहाँ पे सी ए उतार देंगे और फिर दिखा देंगे बी एम इक्वल टू बी एम बी सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू बी एम प्लस सी एम इससे। अब देखिए यहाँ पे तो आ गया, लेकिन हम यहाँ पे क्या चाहिए हमको ए एम चाहिए, यहाँ पे वन अपॉइंट टू चाहिए, तो दोनों साइड में क्या करेंगे टू का डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय टू साइड बोथ साइड कर दीजिए, बोथ साइड जब टू का डिवाइड करेंगे दोनों साइड में तो क्या होगा। अब देखिए यहां पे क्या होगा, टू ए एम है, टू ए एम अपॉन टू जाएगा लेस। अब यहां पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है अपॉन टू कर देंगे, ये भी कर देंगे, जब इसको कर देंगे तब क्या होगा ध्यान दीजिएगा। अब ये ए हो गया, देखिए टू टू से क्या हो गया ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा ए एम, ए लेस हो जाएगा। अब यहां पे अपॉन टू है तो इसको हम वन अपॉन टू लिख सकते हैं, अब इसको बिकम कर देंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। देखिए एम इक्वल टू वन अपॉन टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपका आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है प्रूफ हो गया। आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।